अस्सलामुअलैकुम मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज से आपका स्वागत हो रहा है यहाँ पे। जी मैं आपको दिखा रही हूँ नमकीन और मीठे चावल, मेरी फ्रेंड के घर से आए थे। बहुत ही मज़े के ये चने वाला पुलाव जो होता है, देगी पुलाव। तो उसके बाद जी मैं बना रही थी मैंगो डिलाइट। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मामा पीछे से फिर कह रही हैं कि जी कल को मैंगो डिलाइट दोबारा से बनाएंगे। इतनी मेरे घर वालों को मैंगो डिलाइट पसंद आ चुकी है ना, तो वो कहते रहते हैं दूसरे तीसरे दिन चले बना लेते हैं। ये जी मैंगो का पल्प ले लिया है, साथ में हमारे पास ऑलपर्स की क्रीम है थोड़ी सी पड़ी हुई है और साथ में शुगर है। चीज़ों को ये ब्लेंडर में डालेंगे वन बाय वन करके, और इसके बाद जी इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद तमाम ये देखें क्रीम मैंने ऐड कर दी है। अब इसके बाद चीनी ऐड करूँगी और दूध ऐड कर दूँगी, फिर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो दो तीन मिनट चार मिनट आप अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने के बाद फिर जी दूसरी तरफ ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो सेकंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अभी फर्स्ट प्रोसेस चल रहा है वैसे वीडियो में, लेकिन मैं ये देखिए अब इसको ब्लेंड होने के लिए रख देना है, ये खुद ही ब्लेंड होता रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर फ्रूट केक है या जो भी केक पड़े हुए हैं या ब्रेड पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आपने उसको ले लेना है। अच्छी तरीके से उनको दरमियान में काट लेना है। काटने के जिस चीज़ में भी आपने इसको बनाना है, इसको फ्रीज़ करना है, तो उसके अंदर ये देखिए जी मेरे पास ये वाला कंटेनर था, इसके अंदर मैंने नीचे जो केक की लेयर्स हैं वो लगा दी हैं। लगाने के बाद कटिंग करके अच्छे तरीके से ना केक की लेयर्स इस तरीके से बिछा देनी है। उसके बाद जो एक एक मैंने बचा लेना है, और उसके अलावा जो मैंने अभी वो रनी सी कंसिस्टेंसी बनाई थी मैंगो प्यूरे की, तो उसको मैंने इसके ऊपर डाल देना है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये दो तीन मेथड होते हैं, या तो आप कस्टर्ड बना के इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, या इस तरीके से, या इसको पका के बड़े मतलब जो आपको आसान लगे। ये मैंने न्यू तरीका ट्राई किया था तो मैंने सोचा चलो साथ में वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये देखें जी इसके ऊपर मैंने इस तरीके से डाल दिया है। अब जो मेरे पास बाकी केक बचा हुआ था उसके चंक्स इस तरीके से बरीक बरीक काट के डाल दिए हैं। मैंने थोड़ा सा मैंगो बचा के रखा था, उसके छोटे छोटे वो जो पीसेस होंगे वो करके इसके ऊपर वो भी ऐड कर देंगे। तो ये बड़ी ही एक मज़े की जो डिश है तैयार हो जाती है। गर्मियों में आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो, इंस्टेंट आप बना के दो घंटे उसको फ्रीज़ करो और आराम से सर्व कर दो। खाने में मज़ा आता है, झंझट भी ज़्यादा नहीं होता। गर्मियों में आम तो हमारे पास एक लंबे बेर से गले अवेलेबल होते हैं, तो ये ना बहुत ही मज़ा आता है। मैंने बड़े लोगों को ये इसकी रेसिपी भेजी है तो सभी ने ट्राई किया और सभी ने कहा है कि वाओ, जस्ट वाओ, मतलब बहुत मज़ा आता है खाने का ना। हमने तो गर्मियों में अच्छा इसको ये देखें जी अब फ्रीज़ हो चुकी है। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी चलते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी में काफ़ी जो हवा तेज़ आ रही थी, पहले तो ये साइन बोर्ड्स कुछ गिर चुके हैं। सामने नेवर गिव अप का बोर्ड लगा हुआ है, ओके जी हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, तभी तो हम चार पाँच दिन के बाद वीडियोस अपलोड कर ही देते हैं। अब मैं सोच ही रही हूँ थोड़ा सा कि भाई मैं वीडियोज़ को ना डेली बेसिस पर नहीं तो अनदर डे अपलोड किया करूँ, लेकिन उस बात पर अमल नहीं हो पाता। पता नहीं कब होगा कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करने लगूँगी, कोशिश तो मेरी बड़ी होती है। यूनिवर्सिटी से वापस आ चुकी थी तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी हमारे घर में, दी वन एंड ओनली इरम, तो उसको मैंने कटलस बना के दिए थे, साथ में फंडा सब की थी। तो ये हम लोग सेन में बैठे बातें कर रहे थे और साथ में ये इंजॉय कर रहे थे। ये जी हमारी यूनिवर्सिटी का कैफ़े है, तो यहाँ पर जाके हम दो घंटे बैठ के सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पी के उठ के आ जाते हैं ऐसे शुगर लगाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके एक दो क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद हमारे पास कभी डेढ़ घंटा होता है फ्री, कभी एक घंटा होता है, लंबी ब्रेक होती है, समझ नहीं आ रही होती क्या करें, तो हम ये रेस्ट रूम में आ जाते हैं, यहाँ बैठ कर रेस्ट करते रहते हैं। इसके बाद ही यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी हूँ और आके मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। तो ये जी इसकी बुनाई हो रही है अच्छे तरीके से, तो बहुत ही मज़े का बना था, तो सिंपल वे से बनाया था, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किए थे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में मौजूद होते हैं उनको ही डाल के इसको बड़े मज़े से ये तैयार हो चुका था। तो इसके बाद जी मैंने इसको हल्का सा डेकोर किया था, ये रिंग साइज में, रिंग में जो प्याज की इसकी कटिंग हो रही है, सब किया था, होप सो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे भी हो रही है, बारिश हो रही है, हम होस्टिंग कोई और करेंगे। बोलते रहो ऐसे लगा दूंगे, बातों में थोड़ी थोड़ी लगा देती होती किसी दिन तो साढ़े को होस्टिंग कराई मैं तो कहती हूँ करनी है तो कर लो, आप लोग नहीं बोलते फिर।
होप सो जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।